इस वक्त हम निंगासन थाने में मौजूद हैं और यहाँ पे जो ये थाना है यहाँ से चंद कदमों की दूरी जहाँ पर शोरूम जो सोने का शोरूम का उद्घाटन हुआ उसके दो दिन के बाद चोरी हो गई। उसमें बताया जा रहा है कि लाखों की चोरी हुई है। हम सीधे बात करेंगे जो शोरूम के मालिक थे उनसे बात करेंगे किस तरीके से चोरी हुई है और कब आपको जानकारी हुई है। क्या नाम है आपका? दिग्विजय गुप्ता। कब चोरी हुई आपको जानकारी कैसे कब मिली? 16 तारीख को ओपनिंग हुई है, 18 तारीख रात में चोरी हुई है। जब हम दुकान खोलने आए सुबह 10 बजे, जब अंदर दुकान में घुसे तब अंदर देखा कि पीछे के दरवाजे टूटे थे और सामान निकला हुआ बिखरा हुआ पड़ा था। सब सामान मतलब 1 क्विंटल चांदी गई है, 400 ग्राम सोना गया है, 75 लाख रुपए के लगभग। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने से आपका जो शोरूम है कितनी दूरी पे है? बस वही होगी 100 मीटर दूरी पे। देखिए जिस तरीके से जो व्यापारी हैं दिग्विजय गुप्ता जी, इनका साफ तौर से कहना है कि लाखों की चोरी हुई है और थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोरी हुई है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है वो जीरो है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने आज जो यहाँ पे थाना अध्यक्ष हैं उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है, तो अन्य व्यापारियों से भी बात करेंगे चोरी को लेकर। क्या नाम है? आनंद चतुर्वेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष। चोरी की घटना जो हुई आज हम लोग आए हैं, सभी व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। हम लोग आज थानाध्यक्ष साहिबा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसमें 24 घंटे का समय निकल चुका है, 24 घंटे का और समय दिया गया है। अगर समय रहते चोरी का खुलासा नहीं होता है तो सारे व्यापारी चौराहे पर धरने बैठेंगे, अपना बाजार बंद करेंगे, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो और सामान की बरामदगी हो। बाद में क्या निकल कर गया सामने आया आप लोगों ने बात की? अभी तक तो कुछ हम लोगों को पता ही नहीं चला। अभी तो जो उनकी कार्रवाई चल रही है उन्होंने बताया, अभी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे जो होता है थोड़ा समय लगेगा, समय के आधार पर बताया कि थोड़े दिन में खुलासा करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। चोरी जो हुई है इसमें व्यापारियों में रोष है, तो इसको किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई 48 घंटे के अंदर, टोटल 48 घंटे समय दिया गया है, उसके अंदर खुलासा नहीं होता है तो सभी व्यापारी निगासन और रकेटी के सभी व्यापारी अपनी बाजार बंद करके और धरने पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। जिस तरीके से चोरी हुई है पुलिस गश्त करती है और थाने से पुलिस गश्त करती है, चंद कदमों पे दूरी पुलिस गश्त करती थी, करती थी नहीं, हम लोगों को जानकारी मिल रही है पुलिस गश्त करती थी। इस समय इसमें 2-3 महीने तो हमको गश्त करती दिखाई नहीं पड़ी, ना कहीं शूटर बसते उनका जो हारन वगैरह होता है, बाकी गश्त वस्त नहीं करती। तो क्या आपका मानना कि पुलिस इस टाइम गश्त नहीं करती, इसी की वजह से चोरी घटना हुई है? पुलिस सक्रिय होगी तो ये कोतवाली के पास से चोरी हो जाएगी, पुलिस अपनी पुलिसिंग कर ही नहीं पा रही निगासन में, पुलिस की निष्क्रियता से ही तो काम हो रहा है। आज आप लोगों ने यहाँ पे अपराधी और चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं निगासन के अंदर। ये वारदातें बंद हो गई थी लेकिन इधर अब 3-4 महीने से तो ये वारदातें बढ़ी हैं, कई चोरियां हो चुकी हैं। अभी झंडी में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी राजघराने परिवार में, राजा साहब के, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। खुलासे के नाम पर निर्दोष लोगों को उठा के उत्पीड़न किया जाता है और इसी ऐसे ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया है और हम तो अब देख रहे हैं निगासन में अब वर्कलोड है नहीं। निगासन कोतवाली पे पहले बहुत एरिया बड़ा था, अब तो खाली निगासन है, एक चौकी इसके अंदर अंतर्गत आती झंडी, शायद झंडी ही आती ना, तो इस समय तो पुलिस मतलब जो है आसानी से संभाल सकती है इसको, लेकिन पुलिस संभाल नहीं पा रही निगासन। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। जिस तरीके से चोरी हुई है इस घटना को कितना व्यापारियों में आक्रोश है? बहुत आक्रोश है इसमें व्यापारियों में। व्यापारी अगर इस चोरी का खुलासा इतने बड़े प्रस्थान पर अगर ऐसी हिसाब से चोरियाँ होंगी तो व्यापारी तो आक्रोश में आएगा ही आएगा। कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, करोड़ों की चोरी है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है इसमें। देखिए जिस तरीके से व्यापारियों में आक्रोश जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि शोरूम का 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ और 3रे दिन चोरी हो गई, लेकिन चोर इतने चालाक थे कि जो CCTV के DVR थी उसको भी साथ लेके चले गए, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बीतने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितने दिन में इस चोरी की घटना को का खुलासा कर पाती है या नहीं कर पाती है। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज डिजिटल के लिए, लखीमपुर।